ऑलराइट, बात करते हैं दोस्तों वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 के बारे में। याद रखिए 2 साल के बाद ये लॉन्च हुए हैं, सेकेंड जनरेशन Z2 है ये बुलेट्स वायरलेस Z2। पहले जो आए हुए थे वो 2020 में आए हुए थे, और अगर आप अभी भी वो वीडियो देखोगे दोस्तों, मैंने कहा था कि दे आर वन ऑफ द बेटर नेक बैंड ईयरफोन। वैसे भी TWS बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, बट अभी भी अगर फंक्शनैलिटी के बारे में, यूजफुलनेस के बारे में अगर बात करूं, तो मुझे नेक बैंड जो ईयरफोन्स होते हैं वो ज्यादा पसंद है, एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। ये जो है ना दोस्तों, ये 2000 में मिलते हैं आपको, एंड इसके अंदर दोस्तों वन प्लस के किसी भी ईयरफोन्स में सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं 2000 में, सोचिए। चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देंगे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन, सुनेंगे ऑडियो, सब कुछ बताएंगे। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड मेक श्योर यू डू। ऑलराइट, दिखने को बॉक्स पैक जो है या फिर ईयरफोन्स है पहले जनरेशन के जो थे वैसे ही कुछ है। हमारे पास ब्लैक कलर है दोस्तों, इसमें ब्लू कलर भी आता है, सो यार यू हैव चॉइसेस इन कलर्स, एंड देन व्हाट डू यू हैव। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं यार। ओके, सो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब स्मार्टफोन से भी ज्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है। रेड केबल क्लब अगर आपको मेंबर होना है, एंड देन यूएसबी टाइप सी टू यूएसबी केबल, एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, 2 पेयर हैं एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के, शायद मीडियम वाले लगाए हुए हैं, स्मॉल एंड लार्ज आर देयर। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स, लेट्स कीप दिस असाइड, लेट्स रिमूव देम। दिखने को भी मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है अगर पहले वाले आप फर्स्ट जनरेशन के वायरलेस बुलेट्स जी देखोगे तो, सो दिखने को सेम। और दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं, अगेन दे आर वेरी वेरी सिमिलर, हार्ड प्लास्टिक किया है, एंड दिस इज द फ्लेक्सिबल थिंग, एंड यस आप जब डालोगे, एंड व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग यू कैन वेयर इट एज अ नेकलेस। वैसे दोस्तों ये जो मैग्नेटिक है दे आर फॉर प्ले पॉज, तो जब आप नहीं सुन रहे हो जस्ट कीप इट लाइक दिस एंड दे विल बी ऑन योर नेक। और ज्यादा हैवी नहीं है, सो दिन भर भी आप रखोगे आपके नेक के ऊपर, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, हैवी नहीं लगेंगे आप। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स, लेकिन उसके पहले पोर्ट्स बटन्स की तरफ देख लेते हैं। LED इंडिकेटर आता है, एंड देन यू हैव प्लस एंड माइनस, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो आप, एंड देन बीच में आपको प्ले पॉज का भी बटन मिलता है। यूएसबी टाइप सी भी है इधर, लुक एट दिस, चार्जिंग के लिए। वैसे दोस्तों ये पोर्ट दिखा रहा हूं, तब तक बता दूं आपको, दिस सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग, पता है 10 मिनट चार्ज कीजिए 20 आवर्स का प्लेबैक मिलेगा। फिर से कहता हूं 20 घंटे का प्लेबैक मिलेगा। आई वॉज सरप्राइज जब मैंने पहली बार सुना। वैसे दोस्तों अगर आपको पेयर करना है तो ये प्ले पॉज का बटन जो है वो लॉन्ग प्रेस कीजिए, एंड लेट्स सी कितना जल्दी होता है। ओके, इट इज इन पेयरिंग मोड राइट नाउ। ऑलराइट, ये दिख रहे हैं वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 पेयर। ऑलराइट, क्विक कनेक्ट का भी सपोर्ट है, इसका मतलब वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 100% बैटरी, सो यार कनेक्टेड, वाओ, दैट पेयरिंग वाज क्वाइट सीमलेस। दोस्तों ऐसे फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें 12.4 mm के ड्राइवर्स आते हैं, जैसे मैंने बताया सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं ऑन वन प्लस ईयरफोन्स, एंड प्राइस इसकी जो है 2000 के नीचे आती है, सो बिग थम्स अप। ऑब्वियसली ऑडियो सुनूंगा और आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि इतने बड़े ड्राइवर्स हैं, आर दे रियली गुड। 30 आवर्स, 30 घंटे का टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है एक बार आप फुल चार्ज करते हो तो। IP55 है, इसका मतलब नहाते हुए या फिर बारिश में आप चल रहे हो, यूज कर रहे हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और कोडेक के सपोर्ट के बारे में बात करूं तो SBC एंड AAC दोनों ही कोडेक को सपोर्ट करता है। वैसे बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो 200 mAh की बैटरी है और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आता है। वैसे आपको बता दूं कि टच कंट्रोल्स नहीं आते हैं, बट ये जो बटन्स दिए हुए हैं दे आर मल्टी फंक्शनल बटन, एंड यस इट डज हैव माइक्रोफोन्स, तो आपको फोन्स लेने हैं या करने हैं आप कर पाओगे। या फाइनली टाइम टू लिसन, या वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले फिट डिसेंट है दोस्तों, ये देखिए नहीं गिरते हैं, फिट अच्छा है। मुझे जनरली बड़े जो ईयर टिप्स हैं वो लगते हैं, थोड़े कान मेरे बड़े हैं, बट इवन दिस मीडियम साइज आर गुड इनफ। आराम से 4-5 घंटे यू आर वेयरिंग इट, यू विल नॉट फील टू मच ऑफ प्रेशर या फिर हैवीनेस, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, लाइट है। टाइम टू प्ले सम म्यूजिक। दोस्तों अगर आप इस पे EDM वगैरह सुनोगे ना, बाकी कुछ सुनाई नहीं देगा, मतलब कितना भी जोर से चलने दो, एंड आई विल टेल यू व्हाई मैं कह रहा हूं, लेकिन लेट मी पुट सम क्लासिकल सॉन्ग। एक बात बताऊं आपको,
इफ यू लव बेस, आगे वीडियो भी मत देखिए, सीधा जाके बाय कीजिए. आई मीन दे आर दैट बेस हैवी, मतलब लोज जो है, लो फ्रीक्वेंसीज जो है इतनी ज्यादा है, इतनी पावरफुल है कि वो बाकी सब चीजों को कवर कर देती है. मैंने क्लासिकल सुना, ईडीएम सुना, मैंने आइटम सॉन्ग भी सुना दोस्तों इसके ऊपर. एंड आई टेल यू, सब जगह पे एक ही चीज, बेस जो है सीरियसली स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि मिड्स एंड जो हाइज है उसे वो कवर करता है. इनफैक्ट मिड्स में कहूंगा क्वालिटी अच्छी है, बट बेस इतना ज्यादा है कि यू नो कभी कभी ऐसे लगता है कि बेस ओवरपावर कर रहा है उसे. जो हाइज है मेरे हिसाब से स्लाइटली स्क्रीची लगते हैं, इतने रिफाइंड नहीं है मेरे हिसाब से. सो इफ यू आर लुकिंग, जैसे मैंने बताया, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस हैवी ईयरफोन्स, वाओ, आई डोंट थिंक देयर आर एनी अदर बेटर देन दैट. और बेस की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसे नहीं कहूंगा कि एकदम ही ज्यादा टाइट है, बट इट इज गुड क्वालिटी बेस, बट अगेन वेरी ओवरपावरिंग मेरे हिसाब से. दोस्तों 2000 के नीचे दे आर रियली गुड. आई मीन देर आर वेरी वेरी फ्यू ईयरफोन जिनमें आपको 12 mm से बड़ा ड्राइवर मिलता है. इसमें 12.4 mm ड्राइवर्स है. वन प्लस के हैं, सो ब्रांड इज गुड, क्वालिटी इज ऑल्सो क्वाइट गुड. तो मैं डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी कहूंगा. बट याद रखिए, देर इज वन लाइन, वन कैवियट, अगर आपको बैलेंस्ड ईयरफोन्स चाहिए देन दीज आर नॉट द वंस फॉर यू, दे आर बेस हैवी फॉर श्योर. जी हाँ, यही थे वन प्लस वायरलेस बुलेट्स Z2. या अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. अगर इस वीडियो का कुछ फायदा हुआ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए. इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.